नमस्कार, दिन के दूसरे पहर का वक्त है और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं सियासत की। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि जनता सियासत को लेकर क्या कुछ सोच रही है। इस कार्यक्रम का नाम है मेरा गांव मेरा देश का यूपी एडिशन। नमस्कार, मेरा नाम है कावेंद्र चौहान और आज एक बार फिर एक नई विधानसभा के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आज जिस विधानसभा की मैं बात करने जा रहा हूं वो पश्चिम की विधानसभा से अलग है और काफी ज्यादा अलग है। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के जालौन जिले की मुख्यालय की यानी उरई विधानसभा की। तो उरई विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, क्या उरई विधानसभा जिसमें कि 20 तारीख को मतदान होने हैं, 20 फरवरी को मतदान है, तो क्या दो फेज की जो वोटिंग हुई है वो यहां पर कोई प्रभाव डाल रही है, किसी तरीके से यहां पर चुनाव की गतिविधियों को किसी तरीके से कुछ प्रभावित कर रही है, इसको जानेंगे और समझेंगे। और ये भी जानेंगे कि जालौन में आखिर मुद्दे क्या होने वाले। आपको थोड़ा सा भूमिका बांध देता हूं। गौरी शंकर वर्मा जो है वो यहां से सिटिंग एमएलए हैं। महेंद्र सिंह कठेरिया साहब जो है वो 2017 में रनर अप रहे थे, समाजवादी पार्टी से थे। पिछले तीन चुनावों की बात करूं तो 2017 गया था गौरी शंकर वर्मा के हाथ में, 2012 गया था समाजवादी पार्टी के दया शंकर वर्मा के हाथ में, और 2007 गया था कांग्रेस के विनोद चतुर्वेदी साहब के हाथ में। इसके अलावा मशहूर क्या है, मशहूर है यहाँ के रसगुल्ले। अगर आप उरई रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो ऐसा शायद ही कोई हो जो वहाँ के रसगुल्ले खाकर ना जाता हो। यहाँ के रसगुल्ले की शान ये है कि जब भी पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब जब भी यहाँ से निकलते थे, जब भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब भी यहाँ से निकले होंगे, हमेशा रसगुल्ले खाकर ही गए होंगे। तो ये रसगुल्ले जो है इसलिए और ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए सियासी कनेक्शन भी इन रसगुल्लों का हो जाता है। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास का जन्म भी इसी विधानसभा में हुआ था और ऐसे में उनका वहाँ पर एक मंदिर भी है। बुंदेलखंड की जो उरई विधानसभा है वहाँ पर सरसों बहुत ज़्यादा उगता है, दाल बहुत ज़्यादा उगती है। विकास को लेकर हालांकि गति थोड़ी धीमी है, विकास उतना कमाल नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था। 2017 में मोदी लहर थी, मोदी लहर में बम्पर वोट पड़े और गौरी शंकर वर्मा साहब विधायक बन गए। कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ आपको ताकि आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि ये विधानसभा आखिर दिखती कैसी है। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है जालौन की, उरई विधानसभा की। आज हम बात कर रहे हैं उरई विधानसभा में सियासी हालचाल क्या है उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। तो उरई विधानसभा की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाकी उरई विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है इसको जानेंगे समझेंगे और आपको सीधे लिए चलेंगे जमीनी हकीकत को दिखाने। ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद जैद सीधे जुड़ेंगे और साथ ही साथ आम दर्शकों के लिए भी लाइंस खुली हुई हैं, आम दर्शक भी हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे अपने साथी अपने सहयोगी अपने संवाददाता मोहम्मद जैद साहब का। तो मोहम्मद जैद साहब की ओर चलेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उरई विधानसभा आखिर दिखती कैसी है उससे मैं आपको दूरदर्श करा रहा हूं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि गौरी शंकर वर्मा साहब जो हैं यहां से विधायक हैं और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह की ये कर्मभूमि है। स्वतंत्र देव सिंह की ये विधानसभा जो है ये स्वतंत्र देव सिंह की कर्मभूमि बताई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बड़े सियासी चेहरे हैं उनमें फिलहाल दो लोगों के नाम सबसे ज़्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं, तीन लोगों के नाम माफ कीजिएगा, गौरी शंकर वर्मा, महेंद्र सिंह कठेरिया और दया शंकर वर्मा। तो अब सीधे जब आपको भूमिका समझा दिए तो सीधे आपको लिए चलूंगा हमारे रिपोर्टर साहब जैद जालौन से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ एक आम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो जैद साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ठीक है जैद साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आप जो है उरई विधानसभा को बड़ा करीब से जानते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, रोजाना खबरों से दो चार होते ही रहते हैं, सियासत क्या कुछ कह रही है आप सब जानते हैं, कौन सा नेता किस प्रकार काम कर रहा है सब आप समझते हैं, सब देखते रहते हैं। अब मुझे ये बताइए जैद साहब कि यहाँ का जो सियासी समीकरण है उसको तो हमने भूमिका में समझा दिया है लेकिन आप मुझको ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर फिलहाल माहौल क्या दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है और साथ ही साथ दो फेज की जो वोटिंग हुई है उसके बाद जब अब तीसरे फेज की वोटिंग होनी है तो क्या पहले के दो फेज किसी भी तरह से थर्ड फेज को इफेक्ट करने जा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, जी मैं आपको बता दूं यहाँ पे बसपा सपा और भारतीय जनता पार्टी तीनों रेस में है।
जी आगे आने वाले समीकरण तो अभी बताना मुश्किल है, पर सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी यहाँ पे आमने सामने टक्कर में है। मुद्दे क्या है? मुद्दे यहाँ प्रमुख मुद्दे वही बिजली, नल, पानी का साथ। बिजली, नल, पानी, सड़क, बेरोजगारी, महंगाई, ये तो जैद साहब पाषाण काल से लेकर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि ये दुरुस्त हो सके। और 2017 में भी जब हम लोग बातें करते थे, आप भी पत्रकार रहे होंगे 2017 में, आप भी आप देखा होगा आपने करीब से, हम लोग एक चीज महसूस करते हैं 2017 हो, 2012 हो या 2022 है, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क का हाल, बिजली, पानी, ये समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती। जैसे क्राइम कभी जीरो नहीं हो सकता, वैसे ये समस्या भी कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बड़े मुद्दे क्या हैं जो चुनाव को इंटरनली बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हो। जी यहाँ प्रमुख मुद्दा अन्ना जानवर का है, जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, रोडों पे फिरते हैं, जिससे कई एक्सीडेंट भी रोडों पे होते हैं। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई एक घर का व्यक्ति मरता है, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। यहाँ अन्ना जानवर प्रमुख समस्या है इस विधानसभा में। ठीक है, अन्ना जानवरों की प्रमुख समस्या है। ठीक है, एक साथी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका, नाम बता दीजिएगा अपना। ठीक है, इनका ठीक है, नाम बता दीजिएगा साहब। ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो ऑफ करिएगा, एक सेकंड, माफ कीजिएगा जरा, इनसे कहूंगा ऑडियो ऑफ करिएगा जरा, फिक्स करिएगा ऑडियो। ठीक है, आप बात करिएगा, आप नाम बताइएगा, बात करिएगा, नाम बताइएगा जरा। शबीउद्दीन साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी फिलहाल आपको क्या लग रहा है, उरई विधानसभा में जो हाल है, उरई विधानसभा में जो हवा चल रही है, सियासत की जो हवा चल रही है, उसमें किस पार्टी का पार्टिकल ज्यादा नजर आ रहा है आपको? जिस तरह से 2017 में चुनाव हुए थे, मोदी जी की लहर थी, उस लहर में बुंदेलखंड की 19 सीटें थी, 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन जो विश्वास बुंदेलखंड या जनपद जालौन की जनता ने वोट देकर बीजेपी से किया था, उस जनता के विश्वास पर और उरई विधानसभा के विधायक गौरी शंकर जी खड़े नहीं उतरे हैं। यहाँ की मूल समस्या बेरोजगारी, रोजगार, पानी, शिक्षा, ये हमारे कहाँ की मेन समस्या है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये समस्या 2017 में जब हम बातचीत कर रहे थे तब भी यही था कि बेरोजगारी, महंगाई बहुत हो गई, हमेशा रहता है, हमेशा हर चुनावों में ये मुद्दा रहता ही रहता है, क्योंकि इन्हीं को जो समेट कर एक पैकेट तैयार किया जाता है, उसी पैकेट को विकास कहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ विकास। एक्चुअली मैं आपको सर बता दूं, जब से गौरी शंकर वर्मा विधायक उरई जालौन विधानसभा के बने, उनकी पार्टी बीजेपी ने विकास के नाम पर लोगों से बहुत कुछ काम करने का वादा किया था, लेकिन गौरी शंकर जो यहाँ सदर के विधायक है, जिन्होंने अभी लास्ट में जब चुनाव आ गए तब क्षेत्रों में जाने का काम किया। मैं आपको बता दूं, हमारे कहां 2017 में, 2012 से लेकर 2017 तक विधायक गौरी शंकर वर्मा ही थे, लेकिन वो सॉरी दयाशंकर वर्मा जी थे, उन्होंने जो विकास किया था, उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई और गौरी शंकर वर्मा यहाँ के विधायक हुए, उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया। अगर विकास इतना ही अच्छा किया होता दयाशंकर वर्मा ने, तो फिर गौरी शंकर वर्मा को आने की जरूरत ही क्या पड़ती, वो जीतते कैसे? शंकर वर्मा जी को टिकट तो बीजेपी ने दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार दयाशंकर वर्मा जी को टिकट दिया, शंकर वर्मा जी को दो बार चुनाव भी हराया है, एक बार कौन सीट पर, पहले हमारे कहां विधानसभा की जिला जालौन में 4 सीटें हुआ करती थी सर। मतलब ये बताइए, जितने भी वहां पर नेता हैं, आपकी नजर में सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं या फिर कोई आपको बेहतर लगता है? नहीं, बेहतर होंगे, नेता बहुत है यहाँ पर, लेकिन जो काम थोड़ा बहुत करते हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। कैसे? समाजवादी पार्टी के लिए तो कहा जाता है गुंडा है। हेलो, समाजवादी पार्टी के लिए तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी आ गई तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, सुरक्षा खत्म हो जाएगी, और कितने सारे लोगों के या तो माफिया उनके जेल चले गए, बुलडोजर चल गए, उनके लिए तो ये कहा जाता है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर।
हाँ मुझे आपकी आ रही है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि जितना काम हुआ है समाजवादी पार्टी के दौरान हुआ है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के लिए तो कहा जाता है कि गुंडागर्दी बढ़ जाती है, क्राइम रेट बढ़ जाता है, और कितने उनके माफिया या फिर बदमाश थे उनके ऊपर कितनों घरों में बुलडोजर चले, कितनों को मुकदमा करके कितनों को जेल भेजा गया, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो गलत करेगा उसको सजा मिलना चाहिए। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, अगर हमारे साथ तो मुझे सजा मिलना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऑडियो को जरा ठीक कराइएगा, साहब को ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, कुछ थोड़ा ऑडियो को ठीक कराएगा, ठीक है। मोहम्मद जैद साहब के पास चलेंगे वापस, आपके ऑडियो में थोड़ी समस्या आ रही है, ऑडियो को फिक्स कराकर फिर मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। जैद साहब ये बताइए कि बुंदेलखंड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपा का ही थोड़ा वर्चस्व रहा हो, यहाँ पर बसपा भी है, कांग्रेस का भी रहा है, 2007 में यहाँ से कांग्रेस से विनोद चतुर्वेदी साहब भी जीते थे, और इससे पहले बसपा भी जीतती आई है, सपा भी है, और अब बीजेपी जो है वो जीती। यहाँ पर फिलहाल जो लोगों की जो तादाद है उसको जरा मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी जात के लोग ज्यादा हैं, कौन से धर्म के लोग ज्यादा हैं, इसको थोड़ा समझाइएगा, जातिगत गणित थोड़ा समझाइएगा। जी यहाँ पे ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा है, उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट सबसे ज्यादा है, और मुस्लिम यहाँ पे 20-15% के बीच में। ठीक है, तो आरक्षित सीट है क्या ये? जी ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे जो बड़े मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे का मतलब ये है कि जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े जो नेता होते हैं जो भाषण देते हैं वो खुद में मुद्दे बन जाते हैं। योगी जी कहीं भी कोई भाषण देंगे तो वो मुद्दा बन जाएगा, अखिलेश यादव कोई भी भाषण देंगे तो वो मुद्दा बन जाएगा, प्रियंका गांधी कोई भी भाषण देंगी मुद्दा बन जाएगा, मायावती कोई भी भाषण देंगी वो मुद्दा बन जाएगा। तो ऐसे समय में जब चुनाव नज़दीक है तो हर नेता अपने अपने हिसाब से लोगों को साधने के लिए, बांधने के लिए तरह तरह की भाषणबाजी करते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी कोई ऐसा करंट कोई ऐसा हुआ हो, सीन हुआ हो जिसके तहत यहाँ पर जो वोटिंग प्रक्रिया है उस पर थोड़ा प्रभावित हो सकती है? जी हिजाब को लेके यहाँ पे मुद्दा बड़ा गर्माया हुआ है, मैं इस तरह से बता दूं कि हिजाब का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म जोशी से पकड़ रहा है, यहाँ आए दिन सड़कों पे रोड शो होते रहते हैं जिसमें हिजाब का मुद्दा उठाया जाता है। क्या मुद्दा क्या है हिजाब का? हिजाब का मुद्दा यही है कि मुस्लिम समुदाय इसको सपोर्ट कर रहा है और बाकी जो अन्य कोई भी समुदाय है किसी वर्चस्व का नाम नहीं लेना चाहिए, वो इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो थोड़ा सा क्लैरिफाई करनी होगी। देखिए मैं करता चलता हूँ, हिजाब का जो मुद्दा है दरअसल वो कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर सभी लोग एक बराबर होते हैं। जैद ठीक कह रहा हूँ मैं? जी सर। सभी लोग एक बराबर होते हैं, सभी लोगों की यूनिफॉर्मिटी होती है। मैं अगर बैठा हूं, मेरे बाजू में जैद बैठे हैं और हम लोग एक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो किसी भी तरीके से हमारी आइडेंटिटी सिर्फ एक ही रहेगी कि हम विद्यार्थी हैं, हम स्टूडेंट हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि हम किस धर्म को मानने वाले हैं, किसको चीज़ को कहने वाले हैं। तो जो हिजाब वाला जो मुद्दा है और उत्तर प्रदेश की जनता जो है इसको पता नहीं क्यों कैसे एक्सेप्ट कर रही है, ये महज इतनी सी बात है कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि क्लासरूम में बैठकर हम हिजाब पहनेंगे, और वो जो इंस्टीट्यूट है, वो जो इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल, वो मना कर रहा है, जो कि बिल्कुल पूर्णतः सही है कि नहीं आप नहीं पहन सकते। हम स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ तो कहीं हमने नहीं देखा आज तक ये सब। तो ये इतनी सी बात है, और समस्या की जड़ कहाँ है मैं बताता हूँ जैद साहब, समस्या की जड़ ये है कि जब ये बात मैं कह रहा हूँ तो ये बात लोगों को बुरी लगेगी। कैसे? राधा राम मोहन रॉय साहब थे, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ और कई प्रथाओं के खिलाफ जो कि हिंदू समाज में गलत थी उसके खिलाफ वो खड़े हुए, वो बोले, ये मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ, वो कई प्रथाओं के खिलाफ खड़े हुए बोले, उन्होंने उन प्रथाओं को एबॉलिश करवाया, खत्म करवाया, क्योंकि वो प्रथाएं गलत थी, वो प्रथाएं कहीं ना कहीं ऑप्रेस कर रही थी, समझ गए इस बात को? तो राधा राम मोहन रॉय जब तक बोल रहे थे वो चीज़ ठीक थी, अगर कोई मुस्लिम बोल देता तो गलत हो जाती। ये इसलिए है क्योंकि हिजाब को लेकर अगर मैं बोलूंगा कि ये गलत है, सब ड्रामा है, तो लोग गलत लेंगे। क्यों गलत लेंगे? और अगर कोई मुस्लिम बोलेगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो वो किसी गलत एक्टिविटी को नहीं समझेंगे कि ये गलत एक्टिविटी को गलत बोल रहा है, वो सोचेंगे कि ये पूरे धर्म को गलत बोल रहा है। फर्क समझ रहे हैं आप? अगर मैं बोलूंगा कि क्लास के अंदर आप हिजाब पहनकर मत बैठिए, एक यूनिफॉर्म कोड है उसको फॉलो करिए, तो लोग इसको गलत सोचेंगे, इसलिए क्योंकि वो ये नहीं देखेंगे कि एक गलत एक्टिविटी को गलत बताया जा रहा है, वो देखेंगे कि आप एक धर्म को गलत बता रहे हैं।
जबकि ऐसा नहीं होता। तो हिजाब का जो मुद्दा है इसको नहीं लगता कि इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आवश्यकता है। छोटी सी बात है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर कोई किसी भी तरीके की रिलीजियस आइडेंटिटी जो है उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपकी आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ एक है और एजेंडा भी एक है। एजेंडा आपका ये है कि आप एजुकेशन ग्रहण करने गए हैं और साथ ही साथ आपकी जो यूनिफॉर्म है वो दिखाती है कि आप सब बराबर हैं। और बाकी नेता किस तरीके से, जैद साहब क्योंकि दर्शक भी हमारा देख रहे हैं, नेता किस तरीके से इसको बड़ा क्रिएट करते हैं। जैसे प्रियंका गांधी ने इसी के कॉन्टेक्स्ट में बोल दिया कि कुछ भी पहन सकती हैं, ये पहन सकती हैं, वो पहन सकती हैं, शादी का जोड़ा पहन सकती हैं। अरे भैया जी, हम क्लास के अंदर बैठकर अब कल को कोई हिंदू कहे कि हम लुंगी पहन के जा सकते हैं तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। कल को अगर कोई मुस्लिम बहन हमारी कहे कि हम तो यही नमाज भी पढ़ेंगे क्लास के अंदर, साइंस का पीरियड चल रहा है, वहां मास्टर ब्लैक बोर्ड पर समझा रहा है कि H2SO4+ क्या केमिकल रिएक्शन होगा, इतने में हमारी कोई बहन कह रही है कि हम तो नमाज पढ़ ले रुको, तब तक एक आदमी कह रहा है कि नहीं भैया रुको अगरबत्ती लगा के जरा हनुमान चालीसा पढ़ ले पहले, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है जज साहब। हो सकता है, नहीं हो सकता ना, जिस चीज के लिए जो जगह बनी है उसी चीज को तो वहां पर होगा ना। तो इसलिए बस दर्शकों को इसलिए समझा रहा था कि ये हिजाब दरअसल कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, ये बकवास है, इसको ज्यादा एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई मना नहीं कर रहा किसी को कि आप हिजाब पहनिए, आप खूब पहनिए। आपको भारत में हिजाब को पहनने, क्योंकि दर्शक जो हमारे देख रहे हैं उनके लिए है, हिजाब पहनने पर किसी तरह का कोई बैन नहीं है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह की, समझ रहे हैं आप, कहीं भी कुछ भी पहन सकते हैं। आप गोवा जाइए बिकनी पहनिए, आप दिल्ली आइए हिजाब पहनिए, आप श्रीनगर जाइए हिजाब पहनिए, कहीं भी पहन सकते हैं, लेकिन आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हिजाब नहीं पहन सकते, क्योंकि अन्य जो लोग हैं वो लुंगी नहीं पहन सकते। अगर आप हिजाब पहनेंगे तो कल को कोई लुंगी पहन के आ जाएगा, परसों कोई शादी का जोड़ा पहन कर आ जाएगा, और नर्सों कोई लहंगा चुन्नी पहन कर आ जाएगा, तो उसके अगले दिन कोई लांचा पहन के आ जाएगा। अब वो क्लास है कि सर्कस है, ठीक है ना। तो रिलीजियस आइडेंटिटी दिखाने का एक जरिया नहीं है, वो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक ड्रेस कोड है। तो इतनी सी बात है, आपने हिजाब का जिक्र छेड़ दिया था इसलिए यहां तक पहुंच गया। बाकी अब मैं ये जानना चाहूंगा कि बुंदेलखंड जो है जैद साहब, वो आज तक विकास की रफ्तार में अगर कोई सबसे पिछड़ी जगह है तो बुंदेलखंड है। विकास की रफ्तार पश्चिमांचल की बात होती है, पश्चिमांचल की पूरी तरह से बात हो जाती है, पूर्वांचल की भी बात होती है, बुंदेलखंड की बात क्यों नहीं हो पाती इतना? बुंदेलखंड में ज्यादातर नेता जो जुमलेबाजी करके जाते हैं, इस वजह से विकास की बात यहाँ नहीं हो पाती है। जो मेन मुद्दे हैं यहाँ पे वो पूरे नहीं हो पाते। कई यहाँ ऐसे गांव भी है जहाँ तक आज तक सड़कों का विकास भी नहीं हो पाया है, क्योंकि ये क्षेत्र जो ज्यादातर रहा है वो डकैतों के इलाके में है, इस वजह से यहाँ पे विकास का मुद्दा बड़ा पिछड़ा हुआ है। 2002 से लेके और 2004 तक यहाँ पे बड़ा खूनी संघर्ष चला है डकैतों और आम जनता के बीच, इस वजह से विकास के दौड़ में यहाँ पे लोग थोड़ा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, फिर हमारे साथ जो हमारे दूसरे भाई हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि विकास का जो पहिया है वो पश्चिमांचल में दौड़ता है, पश्चिम की बात भी होती है, हर जोर शोर से चुनाव भी लड़ा जाता है, एक तरफा वोटिंग हो जाती है। 2007 में पूरा दिया तो बसपा को दे दिया, 2012 में दिया तो पूरा सपा को दे दिया, 2017 में दिया तो पूरा भाजपा को दे दिया, लेकिन बुंदेलखंड में ना तो नेताओं के मुंह पर इतना नाम रहता है, ना कोई बड़ा मुद्दा यहां से प्रोजेक्ट होता है, तो और विकास का रथ भी, विकास का पहिया भी यहां पर बड़ा धीमा धीमा चलता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। मैं पिछले एक दशक का आंकलन कर रहा हूं, तो ये समस्या कहां आ रही है, क्या समस्या क्या है? किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, थोड़ा बहुत अगर काम हुआ है तो समाजवादी पार्टी के निर्णय से हुआ है, अखिलेश यादव जी ने किया है, कटोरा से लेके गोलूपुर रोड से लेके कटोरा हमीरपुर तक जो रोड बना वो रोड अखिलेश यादव जी ने बनाया, और जितने भी पुल यहाँ पर हमारे बुंदेलखंड में आती है, आती है, माधोगढ़ है, सारे पुल बनवाने का काम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस समय बीजेपी की सरकार थी गौरी शंकर वर्मा यहाँ के विधायक, और आपने अभी बताया था स्वतंत्र देव सिंह जो की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो इसी जनपद से आते हैं। इस जनपद में आने के बाद भी उन्होंने बुंदेलखंड में 19 विधायक है बीजेपी के, एक भी बीजेपी के विधायक को मंत्री नहीं बनाया, खासतौर से माधोगढ़ कलोन कालपी चाहते तो अगर एक मंत्री बना के भेज सकते थे जो कि जालौन के आम नागरिकों की समस्याओं को सुनता, लेकिन नहीं, जहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चाहते ही नहीं है कि जनपद जालौन का विकास हो,
जो भी विकास हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, और हम लोग तो चाहते हैं सरकार वो आए जो विकास करे। शिक्षा में यहाँ पर जो विद्यार्थी परेशान है, जो पेपर देते हैं कैसे अपने माँ बाप पे पैसा लाकर पैसा देकर अपना ये पेपर रख दिया, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने कैंसिल कर दिया। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ शिक्षा के आधार पर बुंदेलखंड उसको चुने जो काम करे। वैसे हवा इस समय समाजवादी पार्टी की ज्यादा है और जनपद जालों से समाजवादी पार्टी की हवा अच्छी। ये हवा कैसे तय करते हैं, हवा कैसे तय की जाती है? हवा देखिए मैं लोग ऐसा हूँ, ये अभी पिछले बार मोदी जी की लहर नहीं। आप अच्छा एक बात बताइएगा, आप आप, आप 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 समाजवादी पार्टी से किस रूप से जुड़े हुए हैं? मैं कोई भी रूप से समाजवादी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक। आम नागरिक है। 2017 में आप किसकी तरफ थे, झुकाव आपका किसकी तरफ था? मैंने वोट दिया था, लेकिन वोट तो मैंने दिया था कि चाहता था कि नहीं। किसको वोट दिया था आपने, किसको वोट, किसको, मतलब ये मैं जाना हूँ आपका झुकाव किस ओर था? मेरा झुकाव था समाजवादी पार्टी। आप सपा के मतलब सपा के समर्थक हैं हमेशा से? ठीक 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 है, आप ठीक है, आप सपा को वोट, सपा के वोटर हैं? ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। नहीं वोटर हैं नहीं, सपा को वोट किया, सपा को वोट किया था 2017 में और 2022 में भी उन्हें करेंगे जहां तक आपकी बातों से मुझे लगा है। ठीक है, अच्छी विकास करेगा, जो विकास करेगा तो उसी को। ठीक है, सपा ने आपकी नजर में, सपा ने विकास किया था इसलिए आपने वोट दिया, और बीजेपी ने अभी नहीं किया है इसलिए आप फिर सपा को दे सकते हैं, मतलब झुकाव आपका उस तरफ। नहीं, जो विकास करेगा हम ये नहीं कह रहे, जो विकास करेगा वोट हम लोग उसी को देंगे। मतलब 2017 की लहर में आप नहीं डगमगाए, मेरा ये कहना है 2017 की लहर में आप नहीं डगमगाए, आपने सपा को ही दिया। ठीक है, चलिए जैद साहब, थोड़ा आवाज में बड़ा क्लिंचिंग हो रही है, इसको जरा ठीक करवाएगा डायरेक्टर साहब? ठीक है, जैद साहब के पास आएंगे। ऑडियो में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, इसको थोड़ा डायरेक्टर साहब ठीक करवाइएगा इसको। चलिए ठीक है, ऑन स्क्रीन लीजिए जरा, हमारे दोनों ही साथियों को दोबारा जोड़ेंगे, ऑडियो कनेक्शन जो है थोड़ा दोबारा से बिल्डअप करेंगे, ठीक करेंगे, फिक्स करेंगे और उसके बाद फिर एक साथ जुड़ेंगे। लेकिन यहां पर जैसे कि हिजाब का मुद्दा हुआ, साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा, दर्शकों ऑन स्क्रीन लीजिए, मुझे सिंगल स्क्रीन ले लीजिए ऑन स्क्रीन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है जिसको लेकर बार बार जो बातचीत हो रही है, बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर जब हम बात करते हैं तो इस चीज को देखना बहुत आवश्यक हुआ। और बीते कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत बड़े नेता थे उनको कहते हुए सुना, एक फिलोसोफर भी है उनको भी कहते हुए सुना, एक हमारे सीनियर भी है उनको भी कहते हुए सुना कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। साथ ही साथ एक और बुद्धिजीवी है उनको कहते हुए सुना, उन्होंने कहा कि समस्या की जड़ जो है वो यहां है कि लोगों को लगता है कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान सरकार पर निहित है। मतलब उनकी हर समस्या का जो समाधान होना है वो सरकार करेगी। ऐसे में सरकार की, मैं बता देता हूं आपको, जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वो किस तरीके से लोगों के जीवन को बेहतर बनाए, किस तरीके से लोगों के जीवन जीने के तरीके में सुधार करे, उन्हें व्यवस्थित करे, उसमें विकास करे। लेकिन लोगों के मन में जो ये धारणा है कि अगर मैं बड़ा हो रहा हूं, मुझे नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की है, पूर्णतः सरकार की है, अब मैं सुबह उठता हूं, सुबह उठते ही मैं बिस्तर से फलांग कर पास वाले एक चौराहे पर बैठकर खैनी मलता हूं, मुंह में सिगरेट लगाता हूं, पान मसाला खाता हूं और पूरे दिन घूमता हूं शहर में मोटरसाइकिल से, और घूमने के बाद फिर रात में आता हूं, फिर खैनी मसाला रगड़ता हूं, दबाता हूं, खाता हूं और फिर सरकार को गरियाता हूं कि भाई पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, भाई बेरोजगार हूं मैं, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। तो ये समस्याएं भी हैं कहीं ना कहीं। युवाओं को चाहिए कि वो अपने जीवन में अच्छी तरीके से शिक्षा को प्राप्त करे, और शिक्षक मनुष्य जो शिक्षित है उसे जीवन में कोई बेड़ियां, कोई तार, किसी भी तरह का कोई दरवाजा कभी रोक ही नहीं सकता। दिखाइए कोई ऐसा शिक्षित व्यक्ति जिसको सरकार ने, गलत पॉलिसी ने उसको रोक दिया हो। अरे भैया, अमेरिका में, यूएसए में जितनी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी के सीईओ जो हैं वो सब भारत से हैं, सब भारत से हैं।
तो सरकार जो है आपको कभी बेड़ियों में नहीं बांध सकती। अब अलीगंज में बैठा युवा जो है वो दबा रहा है खैनी और कह रहा है कि सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही। भैया बैठे 3 साल से बेरोजगार। तो जब तक आप शिक्षित नहीं हो गए, खुद से स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, तब तक रोजगार जो है आपको स्वयं तो मिलने आएगा नहीं। तो यह एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि लोग ऐसे मुद्दों को इतना बड़ा बना देते हैं जिन मुद्दों का कोई जनता से सरोकार ही नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। अब कल को कोई यह कह दे कि हम मॉल में घूमेंगे और हम सैंडो बनियान और अंडरवेयर पहन के मॉल में घूमेंगे क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, हम ये पहन सकते हैं, तो नहीं पहन सकते क्योंकि दूसरों का जो राइट का जो एक डायमीटर है उसको आप कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर रहे हैं उसका, तो नहीं कर सकते। ऐसे स्कूल में यूनिफॉर्म जो है एक कोड है, उसको आपको फॉलो करना ही होगा। आप वहां पर हिजाब, लुंगी, सैफरन क्लोथ, नीला गमछा, अगरबत्ती, बाम, लिपस्टिक लेकर नहीं जा सकते। इस चीज को समझना होगा। तो मुद्दों पर जितना केंद्रित रहेंगे सरकारें भी उतना केंद्रित रहेंगी, वरना राजनीति की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से किसी और परिपेक्ष में जाती जा रही है और हम कोई भी उसको रोक नहीं पा रहे। अब आज के समय में कोई भी लोहिया पैदा नहीं हो सकता, जेपी पैदा नहीं हो सकता, अटल बिहारी वाजपेयी पैदा नहीं हो सकता, चंद्रशेखर पैदा नहीं हो सकता, मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं हो सकते, लालू प्रसाद यादव जैसे सरीखे नेता जो कंडा पाथना भी जानते हैं, समझ रहे हैं आप, ये वो नेता हैं जो कंडा पाथना भी जानते हैं और ये वही नेता हैं जो सियासत के शिखर पर बैठना भी जानते हैं। तो ऐसे नेता पैदा होना बंद हो जाएंगे और रह जाएंगे केवल बुलेरो वाले, फॉर्च्यूनर वाले, टाटा सफारी वाले नेता। और तब कहिएगा जय श्री राम। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी।